नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये मारुति वैगनर का एक स्टीरियो आया है। इसमें दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कस्टमर ने बोला है इसमें ब्लूटूथ लगा देने के लिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लूटूथ तो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे USB सॉकेट सिस्टम है, ऑक्स भी है। इसमें जो है उसने जो कस्टमर जो है ब्लूटूथ का पेन ड्राइव मिलता है वो लगा के इधर लगा के चेक किया था, ब्लूटूथ जो है चलता नहीं है। ऐसे कनेक्ट होता है लेकिन इसमें गाना बजता नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर ने बोला इसमें अंदर ब्लूटूथ लगा सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, अंदर में लगा सकते हैं, इसको हम अंदर में ब्लूटूथ लगाते हैं और देखते रहिए हम कैसे ब्लूटूथ इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो आप भी लगा सकते हो अगर ये वीडियो आप पूरी तरह देखेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल में आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ये कंपनी देखिए, ये कंपनी का नाम है निपोन। ठीक है, यहाँ पे निपोन कंपनी का स्टीरियो लग के आता है। ये देखिए, ये मारुति कंपनी का है। इसमें जो है ब्लूटूथ सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ लगाएंगे। तो देखते रहिए और मैं कैमरे को भी सेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने कैमरे को सेट कर लिया है। अभी जो है इसका हम बैकओवर खोलेंगे। बैकओवर हम क्यों खोलेंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्शन का जो सॉकेट है ये हमको इधर नहीं दिया गया है, तो यहाँ से हम बैटरी कनेक्शन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से पीछे का ढक्कन खोल करके इधर से हम बैटरी कनेक्शन निकालेंगे और स्पीकर कनेक्शन भी निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, ऑडियो चेक करेंगे और ब्लूटूथ का, ब्लूटूथ में जो 5 वोल्ट लगता है वो कहाँ से देते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और ऑडियो कहाँ से देते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, मैं स्टीरियो को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों हमने इसमें जो है बैटरी कनेक्शन कर दिया है। देखिए ये दोनों जो है पॉजिटिव कनेक्शन है और नेगेटिव हमने कहीं पे ग्राउंड पे लगा देने से ही ये ऑन होता है। ठीक है, और इसको ऑन, ये कनेक्शन करने के बाद ये ऑन हुआ कि नहीं आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्प्ले पे जो स्टैंड बाई मोड है, यहाँ पे स्टैंड बाई रिलीज करते हैं। ये देखिए ये ऑन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी चेक करेंगे यहाँ पे ब्लूटूथ कैसे लगाते हैं और किस तरह से लगाते हैं हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे हमको पहले जो है स्विचिंग कनेक्शन बनाना है, जो स्विच, ये पावर स्विच ऑन करने के बाद ही, देखिए अभी जो है ये पावर स्विच बंद है। ठीक है, ये डिस्प्ले चालू है लेकिन पावर स्विच इसमें बंद है। तो जब भी हम यहाँ पे पावर स्विच दबाएंगे तब जो है ब्लूटूथ ऑन होगा, ये स्टीरियो भी ऑन होगा। ठीक है, इस तरह का कनेक्शन हमको इधर करना है। तो अभी जो है हम स्विचिंग रेगुलेटर कनेक्शन कहाँ से निकालेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखते रहिए और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का सप्लाई दे रखा है। ठीक है, अभी जो है स्टीरियो हमारा बंद है, अभी जो है स्टैंड बाई मोड में है। तो हमने ये ग्राउंड पकड़ लिया और इधर देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट है हमारा और यहाँ पे भी 12 वोल्ट है। ठीक है, और देखिए इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कुछ NC आउटपुट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इस पॉइंट पे हमें 12 वोल्ट मिलना चाहिए ऑन होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्राउंड को रख देते हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड लगा लिया। यहाँ पे देखिएगा, मीटर की तरफ देखिएगा दोस्तों, जब भी हम पावर स्विच ऑन करते हैं तब जो है ये वोल्टेज आ गया इधर। ये देखिए ये वोल्टेज आ गया। इस वोल्टेज पे जो है हमको 5 वोल्ट का LM लगाना है। और LM कैसे लगाना है, हमको स्टीरियो को नहीं खोलना है, बाहर से ही हम काम करेंगे। देखिए हमने 5 वोल्ट का LM इधर में स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि LM जो है थोड़ा थोड़ा गर्म होगा इसलिए इस हीट सिंक पे हमने ये LM को सेट कर लिया है। ठीक है, देखिए किस तरह से हमने इधर लगाया। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो मेटल है ये ग्राउंड होता है और स्टीरियो का ये भी ग्राउंड है। जो बीच वाला पॉइंट आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे ही बेंड कर दिया, क्योंकि इस दोनों पॉइंट में अगर टच होगा तो LM खराब होगा, नहीं तो स्टीरियो खराब होगा। ठीक है, तो LM का ये जो है इनपुट है, ये जो है आउटपुट है। यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई कहाँ से देंगे, देखिए यहाँ से अगर हम कहीं पे
यहाँ से हम अगर कोई कनेक्शन लेके आए तो हमको कोबर लगाने में इसका जो ढक्कन है ढक्कन लगाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए पीछे में यहाँ पे एक छेद है ये वाला, इस छेद से हम कनेक्शन को अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से कनेक्शन को निकाल लेते हैं। इधर आ गया, तो हमको जो है ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, छोटा सा ही तार रखना है। यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों जब भी काम कीजिएगा स्टीरियो को बंद करके काम कीजिएगा, नहीं तो स्टीरियो ख़राब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट हम यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम एक हीट सिंक का जो है एक हीट सिंक लगा देते हैं। कौन सा हीट सिंक लगा देते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह का यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये लगा दिया, लगा देने के बाद यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छे से। सोल्डरिंग करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से 5 वोल्ट निकल रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट हमको निकलना ही है। हमारा 5 वोल्ट अगर नहीं निकलेगा तो हमारा मॉड्यूल जो है ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है चिप्स है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 5 वोल्ट चाहिए चाहिए। ये सोल्डरिंग हमारा हो गया है, तो इसको हम जो है कोबर से इस तरह से कोबर कर देते हैं। ये कोबर हो गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हीट देंगे। हीट देने के बाद ये जो है चिपक जाएगा, कहीं पर टच नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको हीट दे करके अच्छे से इसको फिनिशिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं वोल्टेज ठीक से निकल रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको हीट देने के लिए हमको जो है लाइटर या ग्लोगन की ज़रूरत पड़ता है। तो ये देखिए हमने इधर आयरन ऐसे इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, इसको हीट भी हो गया और ये चिपक भी जा रहा है अच्छे से। देखिए ये चिपक गया, ठीक है, देखिए ये अच्छे से चिपक गया है। ये अभी खुलने वाला नहीं है और कहीं भी शॉर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए बढ़िया से हो गया। तो यहाँ से हमको 5 वोल्ट मिल रहा है या नहीं हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों ऑन करने के बाद ही 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए, नहीं तो जो है ब्लूटूथ हमारा हमेशा ऑन रहेगा और कार का बैटरी जो है वो डाउन कर देगा। तो हमने इधर पावर ऑन कर दिया है। यहाँ पे डिस्प्ले पे देखिए डिस्प्ले ऑन हुआ लेकिन पावर ऑन नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा निकल रहा है या नहीं। ये देखिए अभी इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, जब हम पावर स्विच ऑन करेंगे तब इसमें वोल्टेज आएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों 5 वोल्ट आ चुका है। तो ये 5 वोल्ट जो है हम ब्लूटूथ में सप्लाई देंगे, ठीक है। और ब्लूटूथ का कनेक्शन हम कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। पहले इसका 5 वोल्ट जो है हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने तो बैटरी कनेक्शन वगैरह सब कुछ इधर LM वगैरह कनेक्शन कर लिया है। इस तरह से हमने रेगुलेटर IC को बिठा दिया। देखिए इस तरह से रेगुलेटर IC इधर बैठ गया और ये जो है वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट का निकल गया। ये जो वोल्टेज है हम फ्रंट की तरफ ले जाएंगे, सामने की तरफ ले जाएंगे। और सामने कैसे लेंगे, इस तरह से यहाँ पे छेद है, ये छेद में से हम अंदर बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्रंट पैनल है, ये जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल को हमको इस तरह से निकालना है। यहाँ पे देखिए कितना सारा लॉक है, ये लॉक को हम एक एक करके, यहाँ पे स्क्रू भी रहता है, हमने स्क्रू खोल लिया है, ये इस तरह से खुल गया है। खुलने के बाद हमको जो है फाइंड करना है लेफ्ट राइट कनेक्शन कौन सा है। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हम आपको जूम करके भी दिखा देंगे। ये दोनों जो रेजिस्टेंस होता है, ये दोनों रेजिस्टेंस में हमारा 5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे
लेफ्ट राइट का ऑडियो रहता है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट में हमारा लेफ्ट राइट का ऑडियो है और एक में ग्राउंड है। ये तीनों कनेक्शन हमारा लेफ्ट राइट का है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। ये तीनों कनेक्शन में हम ब्लूटूथ बिठा देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, यहाँ पे हम कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको साउंड भी सुनाएंगे, देखिएगा। और ब्लूटूथ चिप्स यहाँ पे हम कहीं पे चिपका देंगे। तो ये जो कनेक्शन है इसको हम इस तरफ निकाल लेते हैं, ये देखिए ये आ गया है। अभी जो है इस तरफ हमें कोई काम नहीं है, इस तरफ का जितना सारा काम था हमने कर लिया। अभी जो है हमको जो है फ्रंट पैनल में काम करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेप लगा के चिपका देंगे ताकि वायर जो है इधर उधर ना जाए। यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लैक टेप लगा के चिपका देते हैं। देखिए इस तरह से ये चिपक गया, तो इधर भी थोड़ा सा लगा देते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये टेप भी हो गया लगाना। और अभी जो है हम यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम ब्लूटूथ का चिप्स चिपका देंगे। और ब्लूटूथ कौन सा देंगे आपको दिखाते हैं, ये वाला ब्लूटूथ हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। पहले इस ब्लूटूथ में हम लेफ्ट राइट कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं साउंड इसका सुनाते हैं, ठीक है। देखते रहिए वीडियो का अंत तक, और इसके बारे में हम आपको लास्ट में एक चीज़ बताएंगे, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमने इधर कनेक्शन कर लिया है, ये हमारा 5 वोल्ट का हो गया, और इधर ये जो लेफ्ट राइट का कनेक्शन है और लेफ्ट राइट और ग्राउंड, हम यहाँ पे चिप्स को जो है डबल टेप से इधर चिपका देंगे। और जो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस सॉकेट में हमको शॉर्ट ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, इसलिए हमको यहाँ पे अच्छे से बिठाना होगा। यहाँ पे हम डबल टेप से चिपका देते हैं। ये हमने डबल टेप ले लिया और इधर देखिए लगा दिया, यहाँ पे हम अच्छे से चिपका देंगे ताकि इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन जो है हमको अच्छे से ड्रेसिंग कर लेते हैं। पहले जो है दोस्तों हमारा इसका जो ग्राउंड है, इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड हम कहाँ पे लगाते हैं आप देखिए, नज़दीक से देखिएगा, गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं और कैमरे को भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कैमरे को अच्छे से सेट किया और वीडियो को जूम भी कर दिया ताकि आपको कनेक्शन समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले जो है ग्राउंड का कनेक्शन करना है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड आपको देख के लगाना है। ग्राउंड कहीं आप 5 वोल्ट पे ना दे दे, इसके लिए हमको 5 वोल्ट पॉजिटिव पे अगर ग्राउंड दे देंगे तो ब्लूटूथ चिप्स जो है ख़राब हो जाएगा, ताकि आपको चिप्स दोबारा ना लगाना पड़े। ये हमको इधर ग्राउंड अच्छे से लगाना होगा, ठीक है। ये हमने ग्राउंड कनेक्शन इधर कर दिया, और यहाँ पे जो है लेफ्ट राइट का कनेक्शन भी आपको बढ़िया से करना होगा, कहीं शॉर्ट ना हो जाए, देखिएगा। ये हमारा कनेक्शन जो है बहुत अच्छे से करना होगा। ये हो गया लेफ्ट का कनेक्शन, और ये हो गया
राइट का कनेक्शन, ठीक है। अभी हम इसको जो है इसका फ्रंट पैनल लगा देंगे, लगा देने के बाद आपको साउंड इसका सुनाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं, अच्छे से इसको फिटिंग करना होगा। इसको जो चारों तरफ लॉक है, सारे लॉक को बैठना होगा अच्छे से। ये हो गया, इधर एक स्क्रू है, इसको भी लगा लेते हैं, नहीं तो ये हिलते रहेगा। ये स्क्रू भी लगा लिया। अभी जो है दोस्तों हम इसमें लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद कोई भी म्यूज़िक आपको प्ले करके सुनाते हैं, ठीक है। ये हमने इधर कनेक्शन दे दिया, देखिए इधर डिस्प्ले पर जो है लाइटिंग आ गया है, और बटन प्रेस करते हैं, ये हमने बॉक्स पे लगा दिया। अभी यहाँ पे ब्लूटूथ साउंड भी आएगा, थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्पीकर भी लगा के रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा सारा कुछ यहाँ फिटिंग हो चुका है, तो अभी इसमें हम लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद आपको साउंड सुनाते हैं किस तरह से साउंड निकला है, ठीक है। ये हमने इसमें ऑन कर दिया है, ये डिस्प्ले पे जो है लाइटिंग आ गया, तो इसको पावर ऑन करते हैं। ये हमने पावर ऑन कर दिया, वेलकम लिखा रहा है, तो यहाँ पे हम मोड चेंज करेंगे। ये हमने ऑक्स पे लगा दिया, इसमें हम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, और कोई भी हम MP3 यहाँ पे प्ले करते हैं, कोई भी म्यूज़िक, ठीक है। ये ब्लूटूथ का साउंड आपको लगता है मिल गया था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको साउंड सुनाएंगे। बढ़िया साउंड आ रहा है दोस्तों, पूरा बेस टेबल वगैरह बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, थैंक यू।